हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसकी क्या है, हमने अपनी फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फोर्थ यूनिट के अंदर लेक्चर नंबर आज करेंगे स्टूडेंट हम 11। तो लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 10 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि सामाजिक विकास का अर्थ परिभाषा है, वह सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले जैसे स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि सामाजिक विकास का अर्थ कि मनुष्य जो है वो क्या है, सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के स्टूडेंट उसकी क्या है, कल्पना नहीं की जा सकती। जब मनुष्य का वर्थ होता है, किसी बालक का वर्थ होता है, तो उसके अंदर जो सामाजिकता है वो क्या है, बिल्कुल जीरो होती है। जैसे जैसे बच्चा आयु के हिसाब से बढ़ता जाता है, बच्चे के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिकता भी बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे बच्चे को समझ आती है, बच्चा वैसे ही समाज के अंदर अपना रोल अदा करता है, समाज के रीति नियमों को अपनाता है, समाज के अंदर जो रिलेशन है, जो उसका परिवार है, उन चीजों को अपनाता है। तो इस प्रकार क्या है, जो बालक के अंदर सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या है, स्टार्टिंग सामाजिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, सामाजिकरण बोल सकते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया बोल सकते हैं। फिर उसकी मैंने दो परिभाषाएं करवाई, सोरेसन के अनुसार और रॉस के अनुसार। फिर बताया स्टूडेंट की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे, वंशांतर, शारीरिक और मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, घर परिवार, आर्थिक स्थिति और लिंग लगा लो आप, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हमने किया है, अलग अलग क्लियर किए। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 11 के अंदर करेंगे कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, कि जो बच्चा आफ्टर बर्थ के बाद घर परिवार से निकलता है, बच्चे को अपनी समझ आ जाती है, जो बाल्यावस्था की एज है वो क्या मानी गई है स्टूडेंट, वो मानी गई है 6 से 12 वर्ष। तो बाल्यावस्था के अंदर बच्चे को क्या है, बच्चा हर तरह की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है। तो बाल्यावस्था के अंदर जो सामाजिक विकास होता है वो गति, वो क्या है, तीव्र गति से होता है। बच्चा क्या है, प्रत्यक्ष रूप से दूसरों के संपर्क में आना शुरू हो जाता है। तो सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है तीव्र गति से शुरू हो जाती है। जो सामाजिक बाल्यावस्था की जो एज मानी गई है वो 6 से 12 वर्ष मानी गई है। इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए हम बाल्यावस्था के हिसाब से आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर सामाजिक विकास कैसे पैदा होता है। अब आज हम इसे क्या है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, क्लियर करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है समूह सदस्यता। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट समूह सदस्यता। समूह सदस्यता कैसे स्टूडेंट, हम इसको क्लियर करते हैं कि बाल्यावस्था में बालक तथा बालिकाएं किसी ना किसी समूह के सदस्य बन जाती हैं। तो जब वो किसी समूह के सदस्य बन जाते हैं तो वो समूह उनके आचरण व्यवहार को प्रभावित करता है। इससे बच्चों के अंदर क्या है, आत्मनिर्भरता, सहयोग की भावना और सहानुभूति आदि की भावना, जो समूह के सदस्य में आने के बाद ये चीजें बच्चे के अंदर क्या है, आना शुरू हो जाती है। तो बच्चे का क्या है, आचरण और उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। जब बच्चा घर के वातावरण से निकलकर बाहर समूह के अपने समूह मित्र मंडली का सदस्य बन जाता है, तो नेचुरली है स्टूडेंट बच्चे का क्या है, उसी हिसाब से जो विकास होना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि नेतृत्व की भावना का विकास। नेतृत्व की भावना का विकास, नेतृत्व की भावना का विकास स्टूडेंट कैसे, हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंच जाता है, 6 से 12 वर्ष जो बच्चे की एज मानी गई है, तो बच्चा क्या है, जब समूह के अंदर एंटर करता है, समूह का सदस्य बन जाता है, तो समूह के
अंदर एंटर करने के बाद क्या है, बच्चे के अंदर नेतृत्व की भावना का विकास होता है। बच्चा क्या है, अपने ग्रुप, जो ग्रुप है बच्चा, जो बच्चे की क्या है ग्रुप मंडली है, उसमें बच्चा क्या है नेतृत्व करना चाहता है, उस समूह का क्या है लीडर बनना चाहता है। तो इस प्रकार समूह का नेता बनने का क्या है वो हर संभव प्रयत्न करता है। उनके खेलों खेलों में उनके नेता बनने की प्रवृत्ति का भी क्या है विकास होता है। जिस मित्र मंडली का, जिस समूह का वो सदस्य बनता है, बच्चे के अंदर ये इच्छा होती है कि मैं उस समूह का क्या है नेता बनूं, लीडर बनूं, ताकि मेरे अंडर क्या है दूसरे जो सदस्य हैं, जो उसके समूह के मित्र हैं, वो काम करें। मैं उनको हर हर एक्टिविटी के हिसाब से, चाहे कोई गतिविधि हो रही है उसके हिसाब से मैं उन्हें क्या है निर्देश करूँ। तो इस प्रकार एज के हिसाब से बच्चे के अंदर नेतृत्व की भावना का भी विकास होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट वास्तविक जगत का ज्ञान। वास्तविक जगत का ज्ञान, अब स्टूडेंट हम वास्तविक जगत का ज्ञान का पता करते हैं, बताती हूँ मैं आपको कि वास्तविक जगत का ज्ञान कैसे स्टूडेंट, कि बच्चा जब बाल्यावस्था के अंदर एंटर करता है तो वो क्या है बच्चा जब सॉरी स्टूडेंट कि बच्चा जब क्या है छोटा होता है तो वो क्या है अपने काल्पनिक संसार में होता है। बच्चे को जैसे उसके पेरेंट्स बता देते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, बच्चा क्या है उसी चीज को मान लेता है। बच्चे को बेशक उसके पेरेंट्स, उसके बड़े बहन भाई क्या है गलत बता रहे हैं, तो बच्चा उसी चीज को स्वीकार कर लेता है। जब बच्चा काल्पनिक संसार से निकलकर वास्तविक जगत का बच्चे को ज्ञान होता है तो बच्चा क्या है हर चीज को डीपली से जानने की कोशिश करता है। बच्चे को हम तब झूठ का सहारा लेकर बच्चे को किसी चीज के ऊपर टाल नहीं सकते। बच्चा क्या है अपने इर्द गिर्द जो भी चीजों को देखता है उसे अपनाने की कोशिश करता है। बच्चा किसी भी एंगल पर, चाहे वो कोई भी चीज है, उसके हिसाब से बच्चा डीपली ज्ञान लेने की क्या है कोशिश करता है। अब मैं आपको और बताती हूँ स्टूडेंट की, जैसे बच्चा क्या है अपने पेरेंट्स के साथ या अपने टीचर के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए गया है, बच्चे को कोई चीज पसंद आ जाती है, जब बच्चा कोई बुक के ऊपर बच्चे की नजर गई है तो बच्चा क्या है स्टूडेंट उसके बारे में डीपली उसकी गहराई के अंदर जाकर क्या है नॉलेज जानना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है। उस टाइम पेरेंट्स और टीचर को, बच्चे को इग्नोर ना करते, उसके बारे में जितना हो सके इतना ज्ञान टीचर को पता है चाहे पेरेंट्स को पता है बताना चाहिए कि ये चीज ऐसे है, इसके बारे में ये चीज ऐसे हुई है, इस करके इसका क्या है निर्माण हुआ है। तो बच्चे के अंदर क्या है जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है और जो बच्चे का अब तक का ज्ञान है उसके अंदर क्या है न्यू एक्सपीरियंस बनते हैं, नॉलेज इंक्रीज होती है बच्चे को, क्योंकि बच्चे को क्या है अपने काल्पनिक संसार से निकलकर वास्तविक ज्ञान का बच्चे को जब का ज्ञान होता है स्टूडेंट, तो इससे भी नेचुरली है कि बच्चे की जो नॉलेज है वो बच्चे की इंक्रीज होगी और बच्चा हर प्रयास करता है कि जो उसके इर्द गिर्द जो भी चीज घटित हो रही है, चाहे उसके मित्र मंडली के अंदर, चाहे परिवार के अंदर, चाहे वो कोई और कार्यक्रम चल रहा है, चाहे किसी भी तरह की कोई गतिविधि हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, तो बच्चा क्या है उसके बारे में जानने के लिए डीपली तैयार रहता है, क्योंकि बच्चा को पता है कि मैं अपने काल्पनिक संसार से निकलकर वास्तविक ज्ञान की मुझे क्या है परख आ गई है, समझ आ गई है। अब ये चीजें मेरी समझ के अंदर है तो मैं इन्हें कि जितना हो सके समझने के लिए क्या है हर संभव प्रयास करता है। तो इस प्रकार क्या है बच्चा बाल्यकाल बाल्यावस्था के अंदर क्या है अपनी नॉलेज इंक्रीज करता है और सामाजिक विकास भी बच्चे का क्या है अच्छे से होता है स्टूडेंट। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की लिंग विभेद की अवस्था। लिंग विभेद, लिंग विभेद की अवस्था, अवस्था लिंग विभेद के अंदर स्टूडेंट कौन कौन आते हैं, बालक और बालिकाएं आते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें समझ नहीं होती कि बालक को बालिका के साथ खेलना है, चाहे लड़का है जो लड़की को लड़के के साथ, लड़के को लड़की के साथ खेलना है। जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था के अंदर एंटर करता है तो स्टूडेंट
क्या होता है कि बच्चे अपनी एज के हिसाब से और लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़की के साथ खेलना क्या क्या पसंद करती है। तो इस प्रकार उन्हें क्या है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं वो क्या है वैसे ही खेलना पसंद करती हैं। तो वो क्या है, लड़का लड़कों के साथ रहना पसंद करेगा और लड़की लड़कियों के साथ रहना पसंद करेगी। वो एक दूसरे के जो समूह है, उनकी मित्र मंडली है, उसमें घुसना पसंद नहीं करते। बच्चे अपने एज के हिसाब से, अपने हम उम्र के साथ लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़की के साथ खेलना पसंद करते हैं। लड़कियों का अपना खेलने का एक तरीका होता है। लड़कियां जैसे गुड़ियों के साथ, घर घर का कोई भी कारा खेलना, चाहे स्कूल स्कूल खेलना आदि पसंद करती हैं। लड़के क्या करते हैं, लड़के क्या है, लड़कियों का अपना एक खेल का तरीका होता है, जैसे बैडमिंटन खेल लिया, वॉलीबॉल खेल लिया, क्रिकेट खेल ली, ये चीजें लड़कों के दायरे के अंदर आती हैं। तो लिंग विभेद के अंदर स्टूडेंट लड़के और लड़कियां जैसे ही बाल्यावस्था के अंदर एंटर करती हैं तो वो अपने ही मित्र मंडली में, अपने ही समूह के अंदर खेलना पसंद करती हैं। लड़के लड़कियों के जो समूह के अंदर जाना नहीं पसंद करते, और क्या है, लड़कियां लड़कों के समूह के अंदर जाना नहीं पसंद करते। वो अपने एज के हिसाब से अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक गुणों की अभिव्यक्ति। सामाजिक गुणों की अभिव्यक्ति, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि सामाजिक गुणों की अभिव्यक्ति कैसे। स्टूडेंट कि नेचुरली स्टूडेंट आपको पता है कि जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चे के अंदर, पहले बच्चों को इतनी चीज की समझ नहीं हुई होती कि बच्चा अपने घर के दायरे के अंदर ही रहता है। जैसे शैशवावस्था के अंदर हम बात करें, जब बच्चा क्या है बाल्यावस्था के अंदर एंटर करता है, 6 से 13 वर्ष की बच्चे की जो अवस्था होती है, जो समय पीरियड माना गया है, उनका समय विधि मानी गई है, तो स्टूडेंट इसके हिसाब से बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों की अभिव्यक्ति होती है। बच्चा समाज के जैसे ही टच के अंदर जाता है, संपर्क के अंदर आता है, तो बच्चे के अंदर क्या है सहनशीलता लगा लो आप, उत्तरदायित्व लगा लो, सहयोग की भावना लगा लो, और सामाजिक गुणों की अभिव्यक्ति आदि क्या है गुण बच्चे के अंदर विकसित होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे समाज में हर कार्यों के अंदर क्या है सहयोग करना पसंद करते हैं। जो बच्चे के अंदर सहयोग की भावना आती है, चाहे आप सुख दुख के अंदर लगा लो स्टूडेंट, चाहे आप किसी कार्य के अंदर सहयोग करना है, चाहे किसी और किसी एंगल से लगा लो, सामाजिक कार्यों के अनुरूप ही बच्चा क्या है अवस्था के हिसाब से, उनकी एज के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की लिंगानुसार रुचियों में अंतर। 6th पॉइंट है स्टूडेंट लिंगानुसार रुचियों में परिवर्तन। अब लिंगानुसार रुचियों में परिवर्तन कैसे स्टूडेंट, आप क्या है पॉइंट से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंगानुसार मींस लिंगानुसार लड़के और लड़कियां। अब रुचियों में परिवर्तन आता है जब बच्चे क्या है बाल्यावस्था के अंदर एंटर करते हैं, तो बच्चे को अलग अलग समझ आ जाती है कि हमने रुचि के हिसाब से खेलना है। जैसे लड़कों की रुचि स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया है कि चित्रकला में हो जाती है, संगीत में हो जाती है, व्यायाम करना पसंद करते हैं उसे इसके अंदर आकर, बागा दौड़ी ज्यादा होती है, चिड़चिड़े होते हैं लड़के जो होते हैं वो झगड़ालु प्रवृत्ति के होते हैं। जो लड़कियां होती हैं उनके अंदर प्रेम, सहनशीलता, सद्भावना, ये गुण क्या है ज्यादा विकसित होती हैं। तो रुचि के हिसाब से क्या है लड़कियां घर के काम में रुचि लेना शुरू कर देती हैं। लड़कियां लड़कियों के साथ गुड़िया खेल ली, चाहे और आप घर में बाहर घूमने, मार झपट वाले कार्यवादी में अधिक होते हैं, कौन होते हैं ये लड़के होते हैं। लड़कियां क्या है नाच गाना, कढ़ाई बुनाई, घर के कार्य में रुचि लेना क्या है शुरू कर देती हैं स्टूडेंट। तो ये हुई हमारी लिंगानुसार रुचियों में परिवर्तन की लड़के अपने हिसाब से क्या है खेलना कूदना व्यायाम करना लड़ाई झगड़ा ये चीजें पसंद करती हैं। जो लड़की हैं उनके अंदर प्रेम समानुभूति नाचना गाना कढ़ाई बुनाई घर के कामों में रुचि लेना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार लड़के और लड़कियां अपनी रुचि के हिसाब से हर कार्य को करना पसंद
करते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट बहिर्मुखी। सेवेंथ पॉइंट है स्टूडेंट हमारा बहिर्मुखी। अब हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं स्टूडेंट कि जब बच्चे क्या है छोटी अवस्था के अंदर होते हैं, शैशवावस्था के अंदर होते हैं, तो बच्चे क्या है माँ बाप के अंडर रहना पसंद करते हैं, माँ बाप के अंदर रहना पसंद करते हैं। जब बच्चे को समझ आती है, काल्पनिक संसार से निकलकर बच्चा वास्तविक ज्ञान की बच्चे को समझ आ जाती है, तो बच्चा क्या है उस जग से निकलकर बच्चा अपने आप में क्या है माहिर हो जाता है, अपने जो भी कार्य हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस देने लगता है अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स। पेरेंट्स के कार्य को वो इतना क्या है अहमियत नहीं देता, तो बच्चा क्या है अपने रिलेशन के अंदर, मित्र मंडली के अंदर, अपने परिवार के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है। बच्चा हर काम को क्या है अपने हिसाब से करना पसंद करता है। तो इस प्रकार बच्चा क्या है स्टूडेंट की अपनी एक अलग छाप छोड़ना चाहता है। वे ऐसा आवाज करते हैं कि मानो शिक्षित और वो क्या है सांस्कृतिक हो गई हैं, उनके अंदर जो क्या है मैनर्स ज्यादा आ गई हैं, बच्चे को हर चीज की समझ आ गई है। बालक और बालिकाएं दूसरों के साथ जल्दी घुल मिल भी इस एज के अंदर जाते हैं। अगला पॉइंट है समायोजन की क्षमता। समायोजन की क्षमता मींस एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट समायोजन की क्षमता स्टूडेंट देखिए कि बाल्यावस्था के अंदर क्या है बालक और बालिकाओं में समायोजन की भावना पनपाती है, विकसित हो चुकी होती है। शैशवावस्था में जो बालक होते हैं वो जिद्दी व्यवहार के होते हैं। बाल्यावस्था में बालकों में समाज की परंपराओं, मूल्य, रीति रिवाज आदि के अंदर अपने आप को समायोजित करना वो क्या है सीख जाते हैं। बच्चों को पता चल जाता है कि मैंने समाज के अंदर जो समाज के रीति रिवाज हैं, मूल्य हैं, वो मैंने कैसे गेन करनी है, तो बच्चा उसी के हिसाब से क्या है ये सारी चीजें एडजस्टमेंट कैसे करनी है ये सारी चीजें बच्चा सीख लेता है। एज के हिसाब से सीख लेता है कि मैंने समाज के अकॉर्डिंग कैसे चलना है, जो समाज के रीति रिवाज है, समाज के कार्य है, अगर मैं उसके हिसाब से चलूंगा, उसको मुख नजर करके चलूंगा, तो क्या है स्टूडेंट कि समाज मुझे एक अच्छा इंसान मानेगा। अगर मैं समाज के ओपोजिट चलता हूँ, समाज के अंदर समायोजन नहीं करता, तो वही समाज उसे चरित्रहीन समझता है। तो बच्चे को क्या है एज के हिसाब से बाल्यावस्था के अंदर बच्चे के अंदर समायोजन की क्षमता भी विकसित हो चुकी होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की सामाजिक स्वीकृति की चाह। सामाजिक स्वीकृति की चाह। वैसे स्टूडेंट आपको पॉइंट से ही क्लियर हो गया है कि सामाजिक जो स्वीकृति है उसकी चाह कैसे स्टूडेंट कि जैसे ही बच्चा बाल्यावस्था के अंदर एंटर करता है, बच्चे को ये होता है कि समाज के अंदर मैं अपनी अलग पहचान कैसे बनाऊं, कि समाज के जो समूह मंडल के कार्य है, मित्र मंडली के कार्य है, जो उनके इर्द गिर्द के कार्य है, कि समाज उससे थोड़ा बहुत पूछे, समाज के अंदर उसकी एक अलग पहचान बने। अगर वो कार्य बच्चे को इस एज के अंदर आके थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं समाज के अंदर अपनी एक पहचान बनाने की क्या है बहुत इच्छा होती है, तो वे अन्य व्यक्तियों के समक्ष ऐसा आचरण और व्यवहार करता है कि ताकि वो दूसरों के साथ एक अपनी अच्छे संबंध बना सके, दूसरों के साथ अच्छी तरह से क्या है एडजस्ट हो सके। वो ऐसे कार्य करे कि जो भी उसके समाज के लोग हैं सामने वाले उसकी प्रशंसा करें और क्या है उनकी आंखों के सामने, उनके नजरिए के सामने, उनकी दृष्टिकोण में वो प्रशंसा का पात्र बने, जिससे बच्चों का सहयोग, पारिवारिक कार्यों में सहायता, पढ़ाई लिखाई तथा बड़े आदेशों का वो बच्चे क्या है बच्चा इस एज के अंदर आकर पालन करना भी शुरू कर देता है। बच्चे को पता है कि समाज के अंदर मुझे कैसे प्रशंसा मिलनी है, कैसे मैंने प्रशंसा का पात्र बनना है, तो बच्चा परिवार के कामों में भी क्या है हर कार्य को बढ़ चढ़ कर आगे होकर शुरू कर देता है, ताकि हर एंगल से उसे अपने परिवार है, चाहे समूह का कार्य है, चाहे पढ़ाई लिखाई के एंगल में, चाहे उसके टीचर ही उसकी
प्रेज क्यों ना करे, वो प्रशंसा का पात्र बनना चाहता है कि ऐसे कार्य करे कि हर जगह उसे क्या है, प्रशंसा ही प्रशंसा मिले। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की अभाव का प्रभाव। अभाव का प्रभाव, अब स्टूडेंट की अभाव का प्रभाव कैसे, अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। जो बाल्यावस्था एज होती है स्टूडेंट, जो क्या है 6 से 12 वर्ष मानी गई है, 6 से 12 वर्ष मानी गई है, कई कई बार क्या है स्टूडेंट उस एज के अंदर जो बच्चा है उसे पेरेंट्स से इतना प्यार नहीं मिलता, या पेरेंट्स क्या है छोटी छोटी बात पर उसे दंड देना, डांटना, पुकारना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये चीजें बड़े होने पर हमारे सामने आती हैं, तो उसका गलत इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट मैं आपको ये भी बोलूंगी कि अगर किसी कारणवश बच्चे से क्या है कोई गड़बड़ हो जाती है, बच्चे से कोई मिस्टेक हो जाती है, वहां पर बच्चे को दंड न देकर बच्चे को थोड़ा बहुत डांट फटकार कर क्या है कोई भी चीज समझा देनी चाहिए, ताकि इसका जो हमें गलत असर बड़े होकर ना मिले किसी भी चीज के अंदर। तो जो क्या है बच्चा अपने परिवार के अंदर जो उसके पेरेंट्स होते हैं, जो उनके बुजुर्ग होते हैं, चाहे वो उनके दादा दादी ही क्यों ना हो, तो ये क्या है हर एंगल पर उनसे दुलार लगाने के लिए लगा लो, आप लाड प्यार के लिए लगा लो, कि ललाई से रहते हैं बच्चे, उनके अंदर तत्परता होती है कि कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स उसे लाड़ प्यार करें, प्रशंसा करें उनकी हर कार्यों के अंदर। तो अगर उन कार्यों में उन बच्चे को क्या है प्रशंसा नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, बच्चे को सही टाइम पर क्या है कोई भी किसी भी एंगल से बच्चे की प्रशंसा नहीं की जाती, तो बड़े होकर बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं हमें इसका गलत असर भी हर पेरेंट्स को देखने को मिलेगा। तो बच्चे को क्या है टाइम के हिसाब से हर पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि उसे टाइम देकर सही समय के हिसाब से बेशक आधा घंटा दे, घंटा दे, उन बच्चों के अंदर मूल्य नैतिक गुण जो भी संस्कार है ये सारी चीजें बच्चे के अंदर पैदा करे, ताकि बड़ा होकर बच्चे को सामाजिक विकास के अंदर बच्चे किसी एंगल से क्या है पीछे ना रह जाए, पिछड़ ना जाए। तो भी ये अभाव का प्रभाव भी हमें बहुत जगह पर सामाजिक विकास के अंदर लगा लो, चाहे आप शारीरिक तौर पर लगा ले, कहीं ना कहीं हमें देखने को स्टूडेंट मिलता ही मिलता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की मित्रों का चयन। मित्रों का चयन, अब स्टूडेंट हम मित्रों के चयन की बात करते हैं कि किस सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स, कि जब बच्चे बाल्यावस्था के अंदर पहुंचते हैं स्टूडेंट, तो बाल्यावस्था के अंदर उन्हें इस चीज की एक उनके अंदर गहन तत्परता होती है कि मेरे घर के दायरे से निकलकर मेरे बाहर कोई फ्रेंड्स बने, ताकि हमारा एक समूह हो, हमारी मित्र मंडली हो, हम खेले इकट्ठे, इवन तक कि जितना ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत इस एज के अंदर दुख सुख भी करें बच्चे, तो बच्चे के अंदर जो मित्रों की बनाने की मित्र मंडली बनाने की तत्परता बहुत अधिक रहती है। चाहे मित्र मंडल क्या है स्कूल के वातावरण में ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस के वातावरण के अंदर भी मित्र उनके बनते हैं। तो इस एज के अंदर बच्चे क्या है अपना मित्र बनाना शुरू कर देते हैं, मित्रों के साथ खेलना, स्टडी का कार्य करना आदि भी किया है, बच्चे के अंदर ये गुण विकसित हो जाते हैं। और घर में ही नहीं अकेले सामाजिक विकास बच्चे का अंदर पैदा होते, बल्कि ये घर के बाहर वातावरण में निकल कर भी, आस पड़ोस स्कूल के वातावरण में भी क्या है बच्चे एक अपना मित्र बनाते हैं और उनके विचारों का अनुसरण करना सीख जाते हैं। तो बाल्यावस्था के दौरान स्टूडेंट बाल बालिकाओं में उपयुक्त वर्णित सामाजिक व्यवहार से संबंधित विशेषताओं से पता चलता है कि इस अवस्था में बालक और बालिकाओं के सामाजिक जीवन का क्षेत्र क्या है अधिक विस्तृत हो चुका होता है, तो जिसके फलस्वरूप उनमें अनेक सामाजिक गुण भी पैदा हो चुके होते हैं। वे समाज के जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर अग्रसर होते हैं, वे समाज के अंदर एक अच्छे नागरिक कहलाने के लिए बच्चे उनके अंदर तत्परता विकसित हो चुकी होती है। तो स्टूडेंट आज हमने लेक्चर नंबर 11 के अंदर अपना टॉपिक क्लियर किया कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, इसके अंदर पहले मैंने आपको बाल्यावस्था की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी, फिर मैंने इसके अलग अलग पॉइंट क्लियर करवाए विशेषताओं के द्वारा कि बाल्यावस्था के अंदर जो सामाजिक विकास बनता है उनकी विशेषताओं का हम निम्न बिंदुओं द्वारा क्या है उन्हें स्पष्ट करते हैं।
तो है पहले है सामूहिक सदस्यता, नेतृत्व की भावना का विकास, वास्तविक जगत का ज्ञान, लिंग विभेद की व्यवस्था, सामाजिक गुणों की अभिव्यक्ति, लिंगानुसार रुचियों में परिवर्तन, बहिर्मुखी, समायोजन की क्षमता, सामाजिक स्वीकृति की चाह, अभाव का प्रभाव और मित्रों का चयन। तो स्टूडेंट, ये हमने अपने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।